So Naila, I want to talk to you सबसे पहले कि PSL का टूर्नामेंट जो वो जा रही है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान के अंदर सारे मैचेस जो वो खेले जाएंगे. सो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस और इसके अलावा हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड इन द ओवरऑल टूर्नामेंट? सच्ची बात बताऊँ तो आई एम नॉट ए ह्यूज फैन ऑफ क्रिकेट, बट वो अलग मोस्टली बिकॉज मुझे बचपन में किसी ने खेलने नहीं दिया था. तो हमेशा कहती थी कि मैंने बैटिंग करनी है, तो मुझे हमेशा फील्ड में रखते थे कि इस लड़की है, इसको नहीं खेलना आता होगा, वो यू नो बिकॉज आई वॉज लिटिल गर्ल, तो लोग सोचते थे कि यू नो एमी हमारा गेम खराब करेगी. बट या तो वो काफ़ी बड़े थे और बॉल काफ़ी यू नो वो हार्ड बॉल के साथ खेलते थे, तो वो कहते थे चोट लग गई. बॉल के साथ खेलते थे तो वो चोट लग गई तो फिर यू नो ब्रूज एंड या सो दैट वाज अ होल अदर थिंग. बट यार सच्ची बात बताऊँ आपको तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान में ये पूरा PSL हो रहा है. And it's not taking place outside of Pakistan. Right. The fact that Pakistan is included in Pakistan, you know, Super League is huge for me. I mean, the irony of that. Yeah. Okay, because इतने सालों से हो रहा है. पहली दफा है कि सारे matches हम लोग पाकिस्तान की मुख्तलिफ cities में जाके देख सकते हैं. बिल्कुल. And that is so amazing. And I'm so happy because, you know, Pakistani pride एक चीज होती है, and we need to support our sports persons and our sports, you know, industries, respective circles as well. So be it hockey, be it cricket, tennis हो, squash हो, जो भी हो, I'm really happy कि पाकिस्तान के अंदर ही ये सारे tournaments हो रहे हैं and not just even cricket. Yeah. I think अभी recently एक squash tournament हुआ है. कबड्डी tournament हुआ है. बिल्कुल. So all of these sports are coming back to Pakistan और it's a proud moment for me as a Pakistani. Okay, so tell me कि अभी रावलपिंडी में भी कुछ matches होने हैं. Are you excited for that? आप जाके देखेंगे उन matches को? I am not excited. I Why? Live in Rawalpindi and I cannot stand the traffic. Right. जब matches होते हैं. ये एक बहुत बड़ा issue बन जाता है. बिल्कुल. So जो traffic है, I drive, so But it's not fun for me. We can let that go for a day or two, right? मतलब जितने भी matches हो रहे हैं. I mean, I think they're going for to the be, larger purpose. I think there are going to be 8 matches. Yeah. So like I'm really excited कि Rawalpindi में matches हो रहे हैं. Yeah. But I'm also dreading कि traffic अब बहुत ज़्यादा हो जाएगी पिंडी के side पे. I think we'll find a way around that. तो जस्ट टू गिव आवर व्यूअर्स सर्टेन इनसाइट इनटू PSL 5, PSL 5 जो है वो इस वक्त जोरों शोर से जारी है. और अगर हम मजीद बात करें कि मैचेस जो हैं वो कहाँ पे खेले जाएंगे, तो उसके अंदर 4 मेजर सिटीज़ में पाकिस्तान में मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें कराची शामिल है, मुल्तान शामिल है, लाहौर शामिल है और रावलपिंडी शामिल है. सो दीज आर ऑल द मेजर थिंग्स दैट यू नीड टू नो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं PSL को देखने के लिए, लाइव मैचेस को देखने के लिए, तो आप इन जगहों पर जाकर देख सकते हैं. इस वक्त हम मौजूद हैं. आई मस्ट मेंशन द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग दैट यू आर सीइंग ओवर हियर राइट नाउ इज रियली ब्यूटीफुल एंड दिस इज थैंक्स टू द कर्टेसी ऑफ इस्लामाबाद रिगालिया होटल, जहाँ की जो द मेपल लीफ कैफे है वहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं. और इसके बाद हम खाना भी खाएंगे, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. I hope it's off screen because I'm super hungry and I can't wait to dig in. But yeah, so a huge thank you. So how are you finding the environment over here? Yeah, the environment here, like I just wanted to say a huge thank you to Islamabad Regalia Hotel. Yeah. This place is so exquisite. I'm in love with the ambience. Bahut like elegant kisam ka hai and it's super classy. I really like it. But I have to say I haven't been here before, lekin main pehli dafa yahan pe aaya hu. I haven't and I'm really amazed to see ki yahan pe na sirf environment acha hai balki jo yahan pe employees hain wo bhi bahut courteous hain aur aapko khana bahut abhi humne chai yahan pe pi thi aur we had a small you know refreshments isse pehle, so it was very nice to see all of that. And iske alawa yahan pe jo regular screenings hain PSL ki wo bhi hoti rahengi, so if you guys are interested you can come over here aur yahan pe aap live screenings jo hai wo dekh sakte hain. इट्स वेरी ईजी टू फाइंड, गूगल पे सर्च करें इसको और जिस तरह मैं यहाँ पे पहुँचा बहुत आसानी से डायरेक्शंस आपको मिल जाती हैं. यू कैन कम ओवर हियर एंड वॉच ऑल द मैचेस. So there was this one thing that I kind of wanted to highlight regarding the whole PSL phenomena. I won't get into the politics of PSL, but I will get into the civic sense jo hamare Pakistaniyon mein we have to reignite, especially in this time, kyunki बाहर से भी लोग आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं एंड हमारी जो लोकल लाइक ट्रैवल है फ्रॉम यू नो पीपल कमिंग फ्रॉम लाहौर फॉर द इस्लामाबाद मैचेस या कराची जा रहे हैं इस्लामाबादियंस. सो वी काइंड ऑफ हैव टू मेक श्योर कि जिस भी शहर हम जा रहे हैं
we make sure ki hum unke rules and regulations follow kare in terms of traffic. We That's respect very important. Bilkul, aur wo hum security personnel jo hai wahan pe appointed, unki bhi hum izzat kare, and we make sure that they're also taken care of. Unke saath hum koi badtameezi na kare. Naila, I think ye bahut bada ek issue aata hai jab bhi aap na sirf in tournaments ke andar balki generally agar local events bhi ho rahe ho to wahan pe jo ye ek masla shuru ho jata hai ladai ka aur you know this is not nice. I think we should give a better message, especially to the people who are coming to Pakistan for all these you know major tournaments. उनको हमें एक अच्छा मैसेज देकर वापस भेजना चाहिए बिल्कुल आई मीन वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कमिंग इन एंड एज अ पाकिस्तानी मैं चाहती हूँ कि हमारी जो एक इमेज मतलब वो जो लेके जाएं वापस इट शुड बी गुड एंड पॉजिटिव क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी जो है वो बहुत कंपैशनेट कौम है एंड हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं बट आई थिंक हमने इस जज्बात को भी थोड़ा सा काबू में रखना है और वी हैव टू मेक श्योर कि जितने भी हमारे साथ लोग जा रहे हैं हमारे दोस्त हों हमारे नेबर्स हों फेलो पाकिस्तानीज हों हम उनसे इज्जत के साथ मतलब वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस वी रिस्पेक्ट देम ठीक है टीम की राइवलरी होती रहती है बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू नो अगर आपकी टीम जीत गई है तो फिर मैं अपसेट हूँ और मैं आपकी गाड़ी को मार दूँ या टायर जलाना शुरू कर दूँ तो वी काइंड ऑफ हैव टू रिस्पेक्ट दिस एज वेल और ओके टेल मी अबाउट योर फेवरेट टीम इन दिस टूर्नामेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड तो नहीं है ना क्योंकि यू आर फ्रॉम इस्लामाबाद ओके सो व्हिच अदर टीम डू आर यू सपोर्टिंग राइट नाउ आई एम आई डोंट नो ओके सो बेसिकली आई एम ए फैन ऑफ पेशावर ज़ल्मी ठीक है बिकॉज़ आई डू हैव यू नो पठान रूट्स सो इट्स दिस यू नो इनर पठाननेस दैट यू कुड से वो जाग गई है तो इट्स लाइक यू नो सो हु इज योर फेवरेट प्लेयर पेशावर ज़ल्मी का कौन सा सबसे अच्छा प्लेयर इज इट सामी आई वुड हैव टू से आई इट वुड एक्चुअली बी शाहिद आफरीदी Good because choice. You know I mean Sammy with all due respect you're great I love your you know game I love it but the thing is that you know Pakistani pride is very important for me right yeah. now and I want to support my fellow Pakistanis That's very nice So I'm really happy that they joined us for this you know huge event aur bahut I hope unko bhi maza aaye Pakistan mein you know ghoom phir ke game khel ke you know Pakistani population ke sath intermingle karke but yeah Peshawar Zalmi is my way to go okay so let's talk about the fact ki you host a show which is called Sundown with Naila Shuja it's a very nice show you guys must check it out Thank you. On City 2 TV so you talk about some really really important topics jinme ek hai women empowerment ka bilkul do you see women cricket coming to Pakistan on such a large scale as we do right now with the men's cricket sachi baat main aapko bataun to I think women have Pakistan's women cricket team has already made its mark internationally Pakistan mein we're just not able to recognize them hum unko sahi tarah se identify nahi kar sak rahe aur identify is tarah nahi kar sak rahe ki hum unki jo unka jo skill set hai yeah. where hum usko highlight nahi karte hamara national sport hockey hai हम क्रिकेट को इतनी प्रेफरेंस दे रहे हैं हमने एक अब मेगा इवेंट पीएसएल के नाम से अब होस्ट कर रहे हैं बट द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स के हॉकी इज़ आवर नेशनल स्पोर्ट सो लेट्स आल्सो प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द अदर स्पोर्ट्स मतलब ना सिर्फ हॉकी को ही हम अटेंशन दें ना सिर्फ हम क्रिकेट को अटेंशन दें बट हम टेनिस स्क्वाश गोल्फ एंड थैंक यू सो मच इंटरनेशनली गोल्फ इज़ ऑल्सो यू नो रिकग्नाइज इट्स वन ऑफ दोज स्पोर्ट्स दैट इज़ इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस बहुत सुकून चाहिए होता है इनर पीस एंड यू नो आउटर पीस भी तो आई थिंक हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सारे स्पोर्ट्स को और जो ये जो स्पोर्ट्स की फेडरेशंस हैं रिस्पेक्टिवली they should also create more opportunities okay so tell me ke with all the situation you know international tournaments coming to pakistan aur finally hum dekh rahe hain ki ab sare matches yahan pe honge security ki situation achhi ho gayi hai hum ek message bhi acha dene ja rahe hain ki yahan pe international tourists aakar visit bhi kar sakte hain what do you see the future how do you think it's going to mold in the end I think it can go both ways Right. And impact तो पड़ेगा अब good impact या bad impact हो वो हमारे ऊपर depend करता है as Pakistanis अगर आप जा रहे हैं match देखने तो again I will re-emphasize this कि जो भी आपके साथ हैं अगर वो कूड़ा ज़मीन पर फेंक रहे हैं आप उनसे बदतमीज़ी ना करें आप उनसे सिर्फ आराम से बोलें कि excuse me आपने ये ज़मीन पर फेंक दिया हम अगर आप ये dustbin में फेंक दें या आप खुद ही उनको दिखा के आप डस्टबिन में फेंक दें तो इट वुड मेक अ डिफरेंस
तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो आइडेंटिटी है काफ़ी मिसअंडरस्टूड है इंटरनेशनल अरीना में, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी सी आइडेंटिटी रीशेप हो इन अ पॉजिटिव लाइट. एंड आई वांट एवरीवन टू विजिट, नॉट एवरीवन, आई मीन ऑब्वियसली यू नो देयर आर सर्टेन restrictions, visa, you know, plane tickets, everything. So those who can take the opportunity and come to Pakistan, I would love to have them in Pakistan. That's experience a very good message. This, you know, Islamabad mein, Islamabad has all four seasons. And if, I mean, I don't know, but the Regalia Hotel is situated in that, you know, area as well. Ke you can also go easily to the, you know, center of Islamabad, and you can also experience the Pindi side of it. It's pretty nice. I really enjoy it. I also want to know, what is your take on PSL's future in Pakistan? Abhi 6 teams hain jo represent kar rahi hain major cities ko Pakistan ki. Kaun si aisi city hai that you would like to see being represented in PSL? Yaar, sachi baat bataun aapko to I would love to see Sialkot. Right. Why? Why is that? I think there's just, I mean, wo kehte na ki it's the Manchester of Pakistan. I would love to see the people of Sialkot. The rich culture. You know, that vibe of industrial area. Bilkul. And I know that cricket is, you know, woven into our society. Ek humare social fabric mein embedded hai. So main chahti hu ke, not just Sialkot, sachi baat bataun. So I would like... There's so many amazing cities in Pakistan. Faisalabad hai. And, but I think agar hum kare is tarah se, to we should have an equal number from, equal number of teams from each province. Har province se, for example, do ya teen shahar hon, jo apni teams ko, you know, is tournament mein matlab promote kar sake. The fact is that we're talking about the fact ki zyadatar cities ko representation milni chahiye. Yeah. And I would really vouch for the fact ke, मैंने जो टैलेंट देखा है ना पाकिस्तान की, क्योंकि बिकॉज ऑफ माय फादर्स जॉब हम पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में ट्रैवल करते थे और मुख्तलिफ प्रोविंसेस में ट्रैवल करते थे. तो आई रियली सॉ कि एक पैशन जो है ना बच्चों का, जब बचपन से ही वो स्ट्रीट में खेलना शुरू कर देते हैं, एंड देन यू नो दे एस्पायर टू एक्चुअली बिकम क्रिकेटर्स, दे लुक अप टू, और हीरोज आर बेसिकली द क्रिकेटर्स, राइट? ग्रेट एग्जांपल इज द फैक्ट कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज आल्सो अ क्रिकेटिंग सुपरस्टार. Yeah. So legend. So the fact is kitna potential hai cricket ka, not just in one way in promoting the sport, but all kitne different areas mein wo hai. Sachi baat bataun aapko, to I think there should be more movies on our legends from the sports industry, you know. Think about area. A biography on Imran Khan's life. Just think about all the eras jinme wo rahe hain. Maybe Imran Khan ki shayad, you know, wo conflict aa jayega beech mein, because he is the prime minister after all. Right, okay. But I was talking about the cricketer. Acha, Imran Khan. And then turned politics. We can't ignore that. He's the prime minister. Yeah, of course, of course. Maybe, you know, after he's out of the major limelight of the international arena. But yeah, so maybe again we can have a realistic movie on Shahid Afridi's life. So aap kis team ko support kar rahe ho, Sarosh? Well, I can't really say that kyunki maine puri PSL ki series ko cover karna hoga, to I don't want to come across as biased. But I guess meri inclination zyada Islamabad United ki taraf hai. Oh, chalo theek hai. But are you going to be going out or kahin screening pe jaoge? I'll definitely be coming over here. Yeah. Islamabad Regalia Hotel. So be sure to come on down to Islamabad Regalia Hotel, specifically the Maple Leaf Cafe. बहुत खूबसूरत जगह है. इट्स वेरी यू नो प्रिस्टीन एंड एलिगेंट एंड रॉयल, एंड आई एम इन लव विद दिस प्लेस. बट PSL के मैचेस भी यहाँ पे स्क्रीन होंगे, सो बी श्योर टू कम ऑन डाउन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. बहुत मज़ा आएगा, खाना भी बहुत मज़े का है. सो या अभी तो महीना शुरू हुआ है. आर यू रेडी टू पार्टी? तैयार हैं आप? So Nala, I think it was really nice having this conversation with you on the opening episode of PSL special series, and I hope you guys enjoyed it as well. Aur isi ke sath hum pahunch chuke hain is special series ke episode ke ikhtitam par. PSL 5 jo hai wo jari hai aur hum aapki taraf is tarah ke jo episodes hain wo laate rahenge, jisme tamam jo updates hain PSL se related wo hum aapko faraham karenge. Agar aapka koi comment hai, suggestion, aap niche comment karke hame bata sakte hain. And if you want to enjoy, you know, this festivity jo ban jati hai kisi bhi cricket tournament ke इर्द गिर्द, वो आप आकर इन्जॉय कर सकते हैं इस्लामाबाद रिगालिया होटल के अंदर, और यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या जिसके साथ भी आप आना चाहें यहाँ के, आप इसको प्रॉपरली इन्जॉय कर सकते हैं. अगली दफ़ा तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू वेरी सून. अल्लाह हाफ़िज़.